हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में एसएल पाइप के बारे में। आई एम श्योर कि आप सभी ने इस कंपनी का नाम जरूर सुना होगा कभी ना कभी, फिर चाहे आप मार्केट में ट्रेड करते हैं या फिर आप नहीं भी करते हैं। ये कंपनी ऐसी नहीं है कि सिर्फ हाउस होल्ड के ही प्रोडक्ट बनाती है, काफ़ी वास्ट इसके प्रोडक्ट हैं। तो इसमें हम जानेंगे कंपनी, इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी क्या करती है, कैसे एस्टेब्लिश हुई थी, साथ ही में क्या क्या इसके प्रोडक्ट रेंज हैं, एंड इसके थॉरली बिल्कुल अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस के साथ ही बिल्कुल हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे चार्ट के ऊपर, और आखिर में ये भी बताएंगे क्या रह सकते हैं इसके आने वाले बेस्ट बाय एंड बेस्ट बाइंग लेवल, प्लस क्या रहेंगे इसके आने वाले टारगेट। और जिस तरह से आजकल मार्केट, कुछ दिनों से आप देख रहे हो मार्केट तो क्रैश हो ही रही है, प्लस ये शेयर भी क्रैश हो रहा है, उसका रीजन जानेंगे और कहां पे लेगा सपोर्ट है। बहुत सारा चीजों के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला आप सभी के लिए, सो प्लीज बने रहिए इसके साथ। आप यहां पर इजिली पढ़ पाओगे 1996 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, यानी तब से ये कंपनी मार्केट में काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ये कंपनी बिल्कुल नई है या फिर अभी अभी मार्केट में आई है, आप इस चीज़ को जानते ही हैं। कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे, उससे पहले एक बार जान लेते हैं नज़र कि कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इंडिया में वो कहाँ कहाँ हैं। आप यहाँ देखिए गुजरात से इनकी शुरुआत हुई थी, आप देखोगे उसके बाद गुजरात में इस कंपनी के दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, उसके बाद तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड उत्तराखंड में भी इनके एक यूनिट है। यानी कंपनी के हर सिटीज़ में मैक्सिमम जितनी इनके रीच हो सकती है वो वहाँ पे इनकी प्लांट हैं। कंपनी के बारे में कुछ तो बेसिक हमने जाना, लेकिन कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं एक बार उनको समझें। सबसे पहले आप देखो कंपनी जो प्लम्बिंग में है, आप यहाँ पर देखोगे ड्रेनेज में भी इसके जो प्रोडक्ट होते हैं यूज़ होते हैं, एग्रीकल्चर में उस सेक्टर में भी इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वहाँ भी इसके काम आता है, एंड उतना ही नहीं सरफेस ड्रेनेज इंडस्ट्रियल। दैट्स मीन ऐसा नहीं कि कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो सिर्फ हाउस होल्ड में ही यूज़ होते हैं या फिर वहीं तक सीमित है, ऐसा नहीं है। इंडस्ट्रियल में भी इनके कंपनी के यूज़ होते हैं, फायर प्रोटेक्शन में भी यूज़ होते हैं, केबल प्रोटेक्शन में भी होते हैं, अर्बन इंफ्रा में भी यूज़ होते हैं। तो मतलब आप समझो कि लिस्ट काफ़ी बड़ी है, जिस भी सेगमेंट का हम नाम लेंगे जहाँ भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट की यूज़ होंगी वहाँ इस कंपनी की प्रेजेंस है आज के टाइम में। प्लस हम सभी जानते हैं बहुत ही बड़ा नाम इस कंपनी ने बना दिया है, एक मजबूत ब्रांड बन चुके हैं प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर, और भी हैं इंडस्ट्री में, लेकिन इसका एक बहुत अच्छा नाम आ जाए, सबसे पहले ट्रस्टेड ब्रांड में इसका नाम आता है। ये हमने कुछ बेसिक डिटेल यहाँ जानने की कोशिश किया, अभी देखते हैं इसके चार्ट के ऊपर क्या क्या रहा, क्या क्या न्यूज़ है इसके करंट टाइम में। इसके ऊपर चार्ट के ऊपर हम जाएं उससे पहले एक नज़र डाल देते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। इस कंपनी के पिछले चार साल से डिटेल में थॉरली एनालिसिस करते हैं, चार साल में क्या क्या रहा। आप देखिए प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, दैट्स मीन प्रमोटर के पास जो भी थे 17 से लेकर 2020 तक का वो वैसे ही हैं, यहाँ पर हमारे लिए एक पॉजिटिव बात है। प्लस 50 से एटलीस्ट ऊपर है जो अगेन अच्छी बात है। FIS की बात करें, FIS के पास इस कंपनी के अच्छी होल्डिंग है, आप देखोगे 20% की होल्डिंग उनके पास 2020 में, आप यहाँ देखोगे एक मिनट, यहाँ पर जो डेटा है जस्ट हमने इसको क्लियरिफाई कर दें कि मार्च, जून, सितंबर और 20, यानी कि 2020 का पूरा इतिहास है, ये 17 से नहीं है, वो हम आगे जाके बात करेंगे। तो पिछले साल पूरा प्रमोटर ने अपने होल्डिंग को बरकरार रखा है। वहीं FIS की बात करें, FIS ने चारों क्वार्टर में अपनी जो होल्डिंग है उसको धीरे धीरे करके यहाँ 20 था, फिर थोड़ा सा कम किया, फिर 20 अगेन 22, यानी दिसंबर के क्वार्टर में उसको 2% के आसपास बढ़ाया, वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। DIS की बात करें, आप देखोगे यहाँ पे 8 की जो उनकी होल्डिंग है 8.81 के अराउंड, उसी चीज़ को उन्होंने रखा है, बीच में बढ़ाया, लेकिन इस वक्त आपको 8 के आसपास, यानी कि अगर पूरे साल की कंपेयर खत्म होने के बात करें 0.81 के आसपास उन्होंने डिक्रीज़ किया, जो बहुत ज़्यादा चिंता के विषय हमारे लिए अभी तक तो नहीं है। अब बात करते हैं इसके रिजल्ट की, यहाँ पर हम बात करेंगे चार साल की। अब आप यहाँ देखोगे 17 से लेकर 20 तक का पूरा इतिहास हमें समझ में आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले किसी भी कंपनी में अगर हम एनालिस करते हैं तो सबसे पहले देखना पड़ता है सेल्स, कंपनी में सेल्स किस तरह से हो रही है। आप यहाँ देख पाओगे, यहाँ जरा ड्रॉ करके दिखा दो, 17 में सेल्स इसकी थी, ये सारे नंबर CR में, 1895 के आसपास। 19 में सेल्स थोड़ी सी जंप हुई, आपको दिख रहा है एक अच्छी खासी जंप हुई है 2073 के आसपास। उसके बाद
07 अगेन 19 में जंप हुई और इस वक्त आप देखिए 2020 में 2578 और 2020 जो था ये एक स्पेशल ईयर था हम सभी के लिए। इसमें कोविड का जो फॉल है, कोविड के जितनी जो मार है हर इंडस्ट्री को, हर इंसान को झेलनी पड़ी है, उसके बाद भी इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। दैट्स मीन इसके सेल्स पर बहुत बड़ा कोई डेंट हमें यहाँ से दिख ना रहा, तो दैट्स मीन ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं इसका नेट प्रॉफिट की, शुद्ध मुनाफा कैसे आया। आप देखो 2017 में 145 सीआर का था, उसके बाद 18 में हुआ 175 175 करोड़ का, उसके बाद 196 और इस साल हुआ है 248। दैट्स मीन क्लियरली आपको यहां पर दिख रहा है बम्पर जंप होते हुए दिख रही है। यहां पर भी हमको दोनों पैरामीटर पे कंपनी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रही है। अब बात करते हैं, हम बात करते हैं जब भी हम किसी भी कंपनी का या स्टॉक का फंडामेंटल चेक करते हैं तो एक बार जरूर CAGR जरूर देखते हैं कि कंपनी ने पिछले पांच साल में, तीन साल में किस तरह से कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न दिया है तो आप देखोगे। और अगर वो रिटर्न 15% के आसपास होता है तो उसको हम अच्छा मानते हैं, 20 होता है तो उसको हम और बेहतर मानते हैं, उससे ऊपर जितना भी बढ़ जाए तो हम बोलते हैं कंपनी अच्छा मेंटेन करके रखा है, अपने जो प्रॉफिट्स हैं, अपनी जो मैनेजमेंट है, हर चीज को अच्छे से बैलेंस करके रखा है। यहां आप देखोगे पिछले पांच साल में जो कंपनी का CAGR है वो 26.71 आपको निकल के आ रहा है, जो अगेन एक बहुत अच्छा नंबर है। दैट्स मीन कंपनी में कोई भी अभी हमें खराबी नजर नहीं आ रही। वहीं दूसरी इसमें पॉजिटिव साइन है, डेट फ्री है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी ने रिड्यूस किया है डेट, जो हमारे लिए और भी एक अच्छी चीज है। प्लस अगली जो पॉइंट है आप वहां पर देख सकते हो, डेबिटर डेज, ये भी कंपनी का जो इंप्रूव हुआ है इसके ऊपर भी हमको यहां पर क्लियरली दिख रहा है सब कुछ। और जो पिछले लास्ट 10 साल में कंपनी जो सेल्स ग्रोथ है वो आपको 20 यानी 21 के आसपास दिख रहा है, अगेन सेल्स आपको 21% के हिसाब से बढ़ रहा है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो दैट्स मीन फंडामेंटल पे हमें कोई भी यहां पर डेंट नजर नहीं आया। अब देखते हैं प्राइस के ऊपर, जो हमने डेटा देखा था नंबर्स के फॉर्म में वही आपको ग्राफ के फॉर्म में दिख रहा है, आप यहां पे इजीली देख पाओगे सारे का ये रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। एंड वहीं बात करें प्रॉफिट की, सारे 1000 CR में है, 0.14 से 0.17000 CR, उसके बाद 19 और उसके बाद 24। यहां पर भी आपको किसी भी तरह का शिकायत या फिर कंपनी ने हमें निराश नहीं किया है। और इस वक्त जो मार्केट में बैठे एनालिस्ट जानकार उनमें से सिर्फ 19% इसको बाय की रेटिंग दे रहे। अब हम देखते हैं प्राइस के ऊपर, उसके बाद आप और हम इसको मिलकर एनालाइज करते हैं कि इसमें क्या निकल के आ रहा है। आपके सामने इस वक्त एस्ट्रल का 1 वीक का चार्ट ओपन है, दैट्स मीन हर एक कैंडल आपको एक वीक को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये डेटा कब से आप देखोगे, नवंबर है, उससे भी पुराना डेटा आपको दिख रहा है। और जो ये लाइन है आपको ये दिख रहा है इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंड दिस वन इज 2050, एंड दिस वन इज 100, एंड दिस वन 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपको यहां क्या पता चल रहा है, बहुत क्लियरली हमें पता चला कि ये शेयर कभी भी अपने पिछले नवंबर से अगर बात करें, ये शेयर कभी भी अपने जो रेड लाइन के ऊपर है आया ही नहीं। दैट्स मीन 20 वीक को भी टच नहीं किया, दैट्स मीन सुपर बुलिश कैटेगरी में चल रहा था। अब क्या हो गया, अब अगर हम यहां पर देखें, इसमें एक खबर आई थी 2-4 दिन पहले, वो आपने देखा होगा मार्केट में, क्या था, बोनस कंपनी ने इशू किया था, बोनस 3:1 का कंपनी ने बोनस इशू किया था। उसके बाद जिन भी लोगों को बोनस मिला, यानी 3 शेयर पे 1 शेयर कंपनी ने दिया, जिन लोगों के पास ऑलरेडी 3 शेयर थे 1 शेयर उनको एक्स्ट्रा दिया। उसके बाद जैसे जिन लोगों को मिला बोनस, ऑलरेडी मार्केट में थोड़ा करेक्शन पेंडिंग था और शेयर में भी पेंडिंग था, और वहीं से हुई प्रॉफिट बुकिंग। पिछले वीक की कैंडल आप देखिए, आपको बिल्कुल हैवी बियरिश, पूरी बियर की पूरी पकड़ नजर आ रही है। और अगले वीक यानी जो वीक अभी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, ये वीक आज भी चल रहा है, लेकिन उसमें भी आप देखिए किस तरह से पूरा बियर हावी है, कहीं रिकवरी नहीं, कोई आपको टेल नीचे से कोई शेडो नहीं दिख रही है आपको, कंप्लीटली इसमें बियर की आपको एंट्री दिख रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि कौन से लेवल पे, शेयर तो अच्छा है, फंडामेंटल तो हमने देख लिया, किस लेवल पे हमें एंट्री करनी चाहिए, सो दैट वी जो नेक्स्ट जब भी इसमें बुल रन आता है मार्केट स्टेबल, हम ऐसी जो ये रन है बुल रन है इसका इस पार्टी का हिस्सा बन सके। इसके लिए हम चलते हैं इसके जरा 1 डे के चार्ट के ऊपर। अब यहां हमें चीजें क्लियर होंगी होते हुए कुछ नजर आएंगे, यह आपके सामने 2021 से पूरा इतिहास है। आप देखोगे जब भी ये शेयर आता है मैक्सिमम अपने 20
और 50 वीक जो इसके 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसी के बीच में ही रहता है। 50 को इसने अभी तक टच किया नहीं है, लेकिन जब से अभी हमने जो डिस्कस किया कि बोनस के बाद प्लस मार्केट में किस तरह से वॉलेटिलिटी बनी हुई है, जब मार्केट ही करेक्ट हो जाए फिर उस टाइम कोई लेवल काम नहीं करेंगे, कोई चीजें कोई भी अच्छी न्यूज भी काम नहीं करेंगे, हम सभी जानते हैं, क्योंकि ऊपर से प्रेशर इतना है कि नीचे आना ही होगा। तो आज के दिन देखिए ये शेयर ने कुछ यहाँ पर 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहाँ पर एक या दो दिन से ठहरने की कोशिश की लेकिन ठहर नहीं पाया, और उसके बाद सीधा आज के दिन इसमें भारी गिरावट है, करीबन 5% से ज़्यादा शेयर आज के दिन करेक्ट हुआ है। और कहाँ पे आया आज के दिन जो बिल्कुल क्लोजिंग हुई है वो इंटरेस्टिंग क्लोजिंग हुई, बिल्कुल अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास हुई है डॉट। अब ऐसे में इसमें क्या करना है, ऐसे में इसको लें या फिर बेचें? देखो बेचने के लिए तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, जब बेचने का टाइम था इस शेयर ने हमको यहाँ पर टाइम दिया था 1, 2, 3, 4, 5 पांच दिन तक वहां पर शेयर कंसोलिडेट करता रहा था, और जब भी शेयर कंसोलिडेट करता है टॉप पे तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। जब भी एक बेसिक है बहुत, ये बिल्कुल ऐसा रूल नहीं है, लेकिन जब टॉप पे हो आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए सोचना है तो एक बार देख लेना चाहिए कि वो रेजिस्टेंस काफी दिनों से टूट नहीं रहा, कंसोलिडेट कर रहा है, दैट्स मीन यहां से रिवर्सल आ सकता है, वही चीज आपको हुआ। जब यही चीज बॉटम पे होती है कि काफी टाइम से शेयर टूट नहीं रहा है, अपने प्राइस पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो हमें नजर रखनी है कौन सा लेवल पहले टूटता है, दिस बॉक्स, और उसके बाद आपको ऊपर का लेवल दिखा, और इसमें अगर हम वही लेवल अप्लाई वही रूल अप्लाई करते तो यहां से हमें नीचे का प्राइस पहले दिखा। जस्ट द बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। यहां पर हम क्या समझ रहे हैं, आज के दिन जो ये शेयर आया हुआ है बिल्कुल 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आया है, इसका बेस्ट प्राइस क्या होगा बाइंग के लिए? सबसे पहला जो आपका ये सपोर्ट आपको दिख रहा है 1500 का, अगर आपको किसी भी गिरावट में आपको 1500 में यहां से मिल जाए तो यहां पर आपको बेस्ट बाय हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। अगर उसको तोड़ेगा तभी ये नीचे का आएगा, लेकिन उतना नीचे मुझे नहीं लगता कि यह आएगा, लेकिन मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, पर एज पर माय अंडरस्टैंडिंग कि यहां पे 1500 पे एक बेस्ट बाय हो जाए। क्यों हो जाएगा? कल तक, कुछ दिनों पहले, कल भी नहीं, 2-4 दिन पहले की सिर्फ जुम्मा बात करें, लोग इसको इस लेवल पे बाय करने का तैयार थे, लेकिन अब जब यहां से अच्छे अपने वहां से एक अच्छा करेक्शन आ चुका है, प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, शेयर कूल ऑफ हो चुका है और अपने अच्छे एक सपोर्ट पे खड़ा है इस टाइम, बस देखना यही है क्या यह सपोर्ट को सस्टेन कर पाता है, क्या यह 1500 के आसपास भी आता है या वहां पर रुकता है या नहीं रुकता है। वो लेवल पे हम बाय करने में से कतरा रहे होते हैं, मत कीजिए, बाय मत कीजिए, एटलीस्ट वॉच लिस्ट पर लगा के हम इसको एनालाइज जरूर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने भी हम शेयर लेके आते हैं ये स्टॉक मार्केट में जितने लिस्टेड कंपनीज है हम सभी को बाय कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हम सभी शेयर के से सीख जरूर सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो इसलिए ये लेवल भी बिल्कुल अच्छा, अगर इस लेवल से कल के दिन नीचे नहीं आता है और इस लेवल पे भी आप बाय करते हैं, दिस इज अगेन गुड बाय, आपको आने टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जरूर जाएगा। और अगर बाय चांस कल है एक्सपायरी, कल के दिन जरा सा हमें दिखती है और भी ज्यादा वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे, तो आपको किसी भी गिरावट में 1500 या उससे नीचे जो भी मिल जाए आपके लिए गोल्ड की कैटेगरी में घुस जाता है ये शेयर। बाकी मर्जी आपके, एक बार आप अपने एनालिसिस खुद जरूर कर लीजिए, प्लस अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे जरूर पूछ लीजिए कि इसमें करना क्या है। ये तो हमने मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे देखा, अगर हम यहाँ पे देखें जरा इसके पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग पे, आप देखो सबसे पहले जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वह है 1645। आप यहां देखोगे ये लेवल तो आपको टूटते हुए ऑलरेडी नजर आ चुके हैं, अब आपको नजर जो रखनी है नीचे के लेवल यानी कि 1500 के लेवल पर, अगर वहां पे कहीं पे भी आ जाता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑलरेडी ये लेवल मार्केट में क्रॉस हो चुके हैं। अब बात करें इसके वैल्यूएशन के ऊपर, एस्ट्रल का ही आपके सामने ये ओपन है, आप यहां देखोगे सबसे पहले इंडस्ट्री पी 64 का है, और ये इसका पी दिख रहा है, जो स्टॉक का पी है आपको 140 का, जब से अभी ये जो न्यूज आई थी बोनस की वो वही अभी लगता है कि यहाँ पे ये एडजस्ट नहीं हुआ, एक बार ये ठीक से एडजस्ट कर हो जाए उसके बाद हम इस पर डिस्कस करते हैं। कई सारे और भी साइट चेक किए थे मैंने इससे पहले जब मैं ये वीडियो लेके आता, हर जगह मुझे कुछ ऐसे ही मिला, बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं है। अगर आपके पास इसी पी के रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आप चाहें तो कमेंट में लिख सकते हैं, सो दैट हमें भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपसे मिल जाए, क्योंकि सीखना सिखाना तो बनता ही रहता है, कोई भी आदमी परफेक्ट होता नहीं है। ईपीएस की बात करें, ईपीएस 11 का है, ये ईपीएस सब कुछ आने वाले टाइम में अभी आपको एडजस्ट होते हुए नजर आएंगे। वहीं आज के दिन डिलीवरी परसेंटेज की बात करें, आज डिलीवरी जो आज के दिन हुई 53, यानी कि जो मैं 25 को अच्छा मानता हूं, यानी 25% एटलीस्ट लोग किसी भी शेयर को अपने डीमेट अकाउंट में लेके जाएं उसको एटलीस्ट मैं अच्छा मानता हूं। यहां देखिए 53 से ज्यादा लोग इसको अपने घर लेके गए, अगेन जो हमारे लिए पॉजिटिव साइन है।
होप ये वीडियो तो आपको थोड़ा तो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज लाइक करे बिना नहीं जाइए, और प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे उसको पढ़ के सीधा हमारे प्राइवेट चैनल का पार्ट बन सकते हैं। और अगर नहीं भी बनना है आपको, एटलीस्ट जो हमारी छोटी सी फैमिली है आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम जो भी रेगुलर बेसिस पे अपडेट लेके आए आप तक सीधा पहुंच जाए बिना किसी डिले के। इसी आशा के साथ कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल टाइम हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड बी कॉशियस इन द